एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की न्यूज़ कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 46। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का भी न्यूज़ कैप्सूल। जबरदस्त खबरें लेकर आ गया हूँ आपके लिए जबरदस्त मौसम में। पिछले 24 घंटों में क्या क्या खबरें रही, क्या क्या घटनाएं घटी, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। उसके लिए हमारे न्यूज़ कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देने थे। दोस्तों पहला सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है हमारा सीबीएसई की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको कल अपनी न्यूज में बताया था कि सीबीएसई आज अपना सुप्रीम कोर्ट में जो क्लास 12 के एग्जाम जो कैंसिल हो गए थे उनका इवेल्यूएशन क्राइटेरिया पेश करेगी दोस्तों। तो उन्होंने आज ऐसा ही कर दिया है, उन्होंने जो इवेल्यूएशन क्राइटेरिया बताया है वो है 30+30+40 फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये अब ये क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें सिर्फ 12th ही नहीं, सिर्फ 10th ही नहीं, सिर्फ 11th ही नहीं, बल्कि तीनों क्लासेस के मार्क्स को कंबाइन करके मार्क्स लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 40% मार्क्स जो होंगे वो आपके क्लास 12th के बेसिस के होंगे, जो आपके इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए होंगे, और क्लास 11th के मार्क्स होंगे वो 30% काउंट किए जाएंगे। और दोस्तों जो क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं उनमें से 30% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और दोस्तों इसमें भी ये है कि क्लास 10th और 11th के जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से 30% मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई तक दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला अपडेट आ रहा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI की तरफ से। आज इन्होंने अपना पहला बीटा वर्जन अवेलेबल कर दिया था सिर्फ कुछ ही खास यूट्यूबर्स को खेलने के लिए, गेमिंग यूट्यूबर्स और टेक यूट्यूबर्स को, जैसे कि स्काउट वगैरह हो गए, इनको मिला था, टेक्निकल गुरुजी, ट्रैक इन टेक, टेक्नो रोहिज वगैरह को ये अवेलेबल करा दिया गया था खेलने के लिए। टेस्ट भी किया है और दोस्तों इसमें चेंजेस नहीं किए हैं काफी, इन्होंने पबजी के जैसा ही उसको रखा हुआ है। और दोस्तों आपको इसको खेलने के बाद आपको और पता चलेगा, सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं। दोस्तों पहले अगर आपने कभी पबजी खेला होगा तो आपको पता होगा पहले जो पबजी के फ्रेश प्लेयर्स होते थे उनमें स्किन्स नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो BGMI होगा उसमें जो फ्रेश प्लेयर्स होंगे उनमें भी स्किन्स दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो रिपब्लिक भारत टीवी चैनल का नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, कल रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक ग्लोबल को लॉन्च करने की बात कही है। ये एक नया लुक होगा एकदम, और इसमें अक्रॉस द ग्लोब सभी जगह से खबरें वगैरह वो लोग देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बताया है। और दोस्तों इसमें 120 जर्नलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब शामिल होंगे। दोस्तों विंडोज से जुड़े हुए दो खास अपडेट आ रहे हैं आपको बता दें। पहले अपडेट में विंडोज, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये विंडोज 11 जो लॉन्च होने वाला है जून 24 को, ये अवेलेबल हो सकता है फ्री में विंडोज 7 और विंडोज 8.1 यूजर्स के लिए। तो मैंने पहले आपको अपनी न्यूज में बताया हुआ था कि विंडोज 11 का ऑफिशियल लॉन्च जून 24 को होने वाला है, लेकिन इससे पहले विंडोज 11 के कई सारे फीचर्स लीक हो गए हैं, जैसे कि स्टार्ट मेन्यू में अब वो चेंज आने वाले हैं, ऐप आइकन्स को भी नया बनाया हुआ है, और दोस्तों इनका जो ऐप स्टोर, विंडोज ऐप स्टोर होता है, इसको भी एकदम न्यू लुक दे दिया गया है। तो खबरें ऐसी आ रही थी कि जियो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एक बहुत ही सस्ता आपको स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन देने के प्लान कर रहा था, और दोस्तों इन्होंने बना भी लिया था और ये अपने जून 24 के लॉन्च इवेंट में इसको लॉन्च भी करने वाले थे। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेज की पूरे दुनिया भर में, मैं आपको बता दूं चिप की शॉर्टेज चल रही है, इसके चलते इस फोन के लॉन्च को अब अगस्त या सितंबर तक शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमारा अगला अपडेट आ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से। आपको बता दें इसके अंदर आने वाले जो कॉलेज है उनमें पढ़ने वाले बच्चों ने टीचर्स के ऊपर एलिज किया हुआ है कि उन्होंने 6 मंथ्स का सिलेबस कुल 5 हफ्तों में ही खत्म कर दिया। तो आपको बता दूं ये जो गूगल वर्कस्पेस है ये अब सभी जीमेल यूजर्स के लिए फ्री में एक्सेसिबल हो गया है। दोस्तों फाइनली वन प्लस इज बैक टू इट्स रूट्स। यहां दोस्तों वन प्लस अब ओप्पो के साथ ही दोबारा से मर्ज हो चुका है। दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से TCS, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL और कॉग्निजेंट, ये जो कंपनीज हैं ये 2022 तक अपनी 3 मिलियन जॉब्स को कट कर देंगी। चलिए दोस्तों अब अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं COVID-19 के केसेस से। आपको बता दूं दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 71 दिन में सबसे कम मामले देखने को मिले, जिनकी संख्या है 67,208, और पिछले 24 घंटों में COVID-19 से मौतें होने वालों की संख्या है 2,330।
दोस्तों पहले आपने खबरें सुन रखी होंगी कि शेर को कोरोना संक्रमण हो गया। अब दोस्तों जानवरों में भी कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैलने लगा है। तो अब एक खबर ऐसी आ रही है कि कोरोना संक्रमण से चेन्नई के एक जू में शेर की मौत हो गई है और ये इस जू में ऐसा दूसरा मामला सामने आया है। दोस्तों मैंने आपको खबरों में बताया था कि भारत में जो पाए जाने वाले दो कोविड-19 के वेरिएंट है उनका नाम दिया गया है डेल्टा और गामा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में पाए जाने वाले डेल्टा वेरिएंट को अमेरिका ने चिंताजनक श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है और इसकी विशिष्टताएं भी बताई हैं। दोस्तों आपको बता दूं थाईलैंड और इंडोनेशिया में कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गाय और चिकन दिए जाने का ऑफर दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं तमिलनाडु की 22 वर्षीय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा आर सौम्या ने बेरोजगार होने के बाद भी सीएम राहत कोष में अपनी सोने की चेन दान की, जिस पर उनके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें नौकरी दी। दोस्तों अगली बड़ी आश्चर्यजनक खबर हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें बौद्ध देवी की 57 मीटर ऊंची प्रतिमा पर जापान में लगाया गया 35 किलो का फेस मास्क। दोस्तों आपको बता दें अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा माना जाने वाला हीरा। गूगल ने की भारत के लिए 113 करोड़ की मदद की घोषणा। सुंदर पिचाई जो उनके सीईओ हैं उन्होंने कहा हमें सहानुभूति है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला को अपना चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें चाइना ने अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कर दिया है रवाना। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 21 जून से 4 ट्रेनों का दोबारा से संचालन शुरू होगा। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उनके अब सिर्फ आधार और पैन कार्ड की ही जरूरत होगी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों ने कुल 775 करोड़ रुपए खर्च किए प्रचार पर। आपको बता दें महाराष्ट्र की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए एक के बाद एक कई बम धमाके जिसमें 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोस्तों पीएनबी घोटाले में मेहुल चौकसी के खिलाफ जो सीबीआई है उसने जारी कर दी है नई चार्जशीट और लगाया है सबूतों को छुपाने का आरोप। तो आपको बता दें यूपी में एक साल में सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने पर 366 केस दर्ज। दोस्तों आइए में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एक और केस दर्ज करा दिया है। दोस्तों यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश है कि यूपी टीईटी परीक्षा के प्रमाण पत्र को दी जाएगी आजीवन वैधता। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। आपको बता दूं टास्क फोर्स ने ऐसा बताया है कि महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्तों के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। ये दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ये न्यूज दोस्तों अच्छी तो लग रही है ना तो यस लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे एक्टिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टिवेशन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।